हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में। और आज हम आ चुके हैं अभी तितली घर में अपने चारों मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। बहुत डरावना लग ही रहा है ऐसे देखने में। चलिए तब आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं, ताकि आप देख सकते हैं कि ये बहुत डरावना प्लेस लग ही रहा है ऐसे। अरे भाई, ये मूर्ति क्या है? तो अभी हम लोग आपको दिखाते हैं। देखिए ये मूर्ति, यहाँ का एक मूर्ति है, ये देखिए तलवार देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, बच्चा लिया हुआ है, इतना बड़ा तलवार है ये। ये किसका मूर्ति है? चलिए तब हम लोग निकल चुके हैं अंदर की ओर। चलिए आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। और हम लोग सब अब जा रहे हैं अंदर, धीरे धीरे जा रहे हैं। अरे ये आवाज क्या चीज आ रहा है? आराम से लेना, अंधेरा वाला रूम लग रहा है। ये भाई आवाज नहीं निकालो, बहुत डर लगता है। क्या है ये लगता है वॉशरूम था पहले ना। ये क्या है आदित्य? यहाँ रशियन वॉशरूम है, आप लोग देख सकते हैं। और आगे चलिए दिखाते हैं। अरे भाई, ये तो स्विमिंग पूल भी है इधर, आप देख सकते हैं। इस जगह पर स्विमिंग पूल है और इस जगह पर देख सकते हैं बीचों बीच। माना जाता है कि यहाँ बहुत सारे लोग गिर के मरे हैं और कभी कभी यहाँ से आवाजें भी आती हैं। और आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल को थोड़ा सा सामने। और ये सब किनारे ये एक। अरे भाई, ये तो बहुत टूट जाएगा। अरे तो टूट जाएगा हो। अरे भाई, जैसा कि आप यहाँ से ऊंचाई से देख सकते हैं व्यू, जैसा कि आप व्यू यहाँ से देख सकते हैं। ये भाई ये टूट टूट जाएगा। चलो हम लोग नीचे चलते हैं। अरे भाई, तू ऊपर मत जा, गिर जाएगा। अरे ऊपर भी ठीक है। अरे भाई, खूब डर लग रहा है। चलो चलो चलो। पूरी भाई देखना कट है। अरे भाई दिख रहा है। अरे नहीं, पत्थर उधर नहीं फेंकना। अरे भाई, ये भी एक स्विमिंग पूल है छोटा सा ना, बच्चे लोग के टाइप का। रशियन के बच्चे लोग मतलब? आपको हम लोग बता देते हैं कि ये जगह रशियन जब आए थे बोकारो में, जिन्होंने बीएसएल प्लांट बनाया है, उन्हीं लोगों ने ये जगह ही बनाया है। वही लोग द्वारा बनाया है। और इस जगह को हॉन्टेड प्लेस इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ समय पहले यहाँ एक बगल में हॉस्पिटल है बोकारो। चलिए चलते। अरे भाई, बहुत डर लग रहा है। चल चल। यहाँ देख सकते हैं सिर्फ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अरे आदित्य, ये क्या है वो? ये तो लगता है कुछ मशीन टाइप का है।
हम लोग फिर से अब दूसरे मेन द्वार की ओर घुसते हैं और यहाँ तो लग रहा है कि सब यहाँ सिर्फ कांच उच टूटा हुआ है चारों तरफ से। ये आप देख सकते हैं यहाँ डर भी लग रहा है कि ऊपर से कुछ गिर ना जाए। आप देख सकते हैं अंदर में सिर्फ पानी चू रहा है और ये एक ऑडिटोरियम टाइप का लग रहा है। यहाँ अंदर जाना ठीक नहीं लग रहा है ये भाई सब छोड़ दो शीशा है तो लग जाएगा। अरे अरे भाई ये कौन सा रूम लग रहा है यहाँ तो सोफा ओफा भी है बहुत साफ सुथरे कॉमन रूम। अरे भाई एक और रूम है इसका अंदर कॉमन डिस्कशन रूम। क्या है क्या चीज भाई ये तो बहुत पुराना कब यहाँ लगता है कि कोई ना कोई तो आता है सब तोड़ देता है। कब का कैलेंडर देखो टाइम। अरे कैलेंडर कब का अंकित कैलेंडर तुम्हारा साइंटिफिक एंड केमिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन रुक गया भाई। अरे नहीं हिंदी में लिखा हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है। अरे ये देखो ये कोई ये दिया हुआ है एक सेकंड ये हिंदी जो पुराना नहीं आता लिखते हैं किसी को हिंदी नहीं आता है। अरे भाई यहाँ लगता है कुछ रिकॉर्ड उकॉर्ड रखा है की 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 रूम का की यहाँ रूम की अगर यहाँ मतलब ना कम से कम उसको फोटो क्लिक करके रखो इसको क्या पड़ेगा 1800 का है इतना तो पता है 1800 का है देखो ना ये आठ ही है ना ये आठ ही है ना 1800 अरे फोटो बाकी तो देख लेंगे 2005 का है मतलब आज से 17 साल पुराना कैलेंडर है ये और ये अभी तक इतना बढ़िया और इसने जगह पुरानी चीज बढ़िया रहती है। चलिए तब आगे चलते हैं कब देख रहा है कब देखो कितना पुराना जैसा कि आप देख सकते हैं पहले भी लकड़ी है बहुत मजबूत अभी भी भाई टिका हुआ है और यहाँ पर लगता है ना कि कोई देख अरे भाई ये क्या लिखा हुआ है तो भोसी का गाने मना जाएंगे भाग 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 उसको लिखने की जरूरत है कि तेरे साथ में डरेगा मतलब वो सब आदमी को डराने के लिए है कि नहीं। और हमको तो अभी महसूस हुआ कि आगे से कोई आ रहा है महसूस आगे से कोई यार पागल हुए क्या डराता कहे लगे चलिए हम लोग इधर देख लेते हैं चूर है क्या चलो ज्यादा अंदर जाना भी सही नहीं हुआ क्या। अरे भाई ये क्या काट रहा है अरे भाई ये क्या काट रहा है ये देखो इसका पैर भाई ये क्या है ये भी सब इसका अंदर से सीढ़ी है भाई देख ऊपर जाने का सीढ़ी ये तो हमको लगता है कि ये फ्रंट रूम जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग तितली हाउस के ऊपर जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर फर्स्ट फ्लोर पर देख रहे हैं जैसे कि बहुत गंदगी है इसको अंदर से आ जाओ अंदर बढ़े ये ऐसा लग रहा है पानी का पीछे में जाओ ना अभी दिक्कत नहीं पानी बहुत ठंडा है यासी यहां तो बेड जैसा बना हुआ है अंदर अच्छा ये जैसा कि देख सकते हैं ये बाथरूम उथरूम था रशियन लोग का बहुत ज्यादा लग्जरी थे ना वो लोग ये देखिए ऊपर से अब वो देखिए वो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है जूम करते जरा उस पे रिवॉल्यूशन
जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पर, ज्यादा देर रुकना सही नहीं लग रहा है, बहुत डरावना भी लग रहा है, और बाहर से आप लोग देख के भी समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पर ब्लॉग को एंड करते हैं अपना, और तब तक के लिए आपको अगर अच्छा लगा हो हमारा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द शेयर बटन।